गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फोर क्लास फोर्थ मैरिज पैट लैम्स। इसके मैंने आपको पोएम पढ़ाए थे, अब आपको वर्ड मीनिंग कराएंगे, इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, है ना। तो वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरोध। खिलाफ कह सकते हो, खिलाफ, रूल के खिलाफ। पेशेंटली धैर्य, अपीयर सामने, अफ्रेड डर, हार्म नुकसान, लाफ हंसना, रिप्लाई जवाब देना, लव प्यार, नो मीन्स जानना, कीप मीन्स रखना। तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट आपको इसको मैं क्लियर करती हूँ, आप क्वेश्चन आंसर आप करिएगा। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूँगी, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और हर क्वेश्चन के साथ एक आंसर लिखना है ना। तो हम आंसर आंसर लिख के दे रहे हैं, आप नंबरिंग डाल के ठीक से उसका सही क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आंसर करेक्टली करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का है, हाउ डिड द लैम लुक, कैसी दिखती थी। आंसर फर्स्ट का, द लैम लुक white as snow. Second है, why did the lamb follow Mary to go to school, है ना। क्यों follow करती, क्योंकि वो जहाँ भी जाती थी वो ज़रूर जाती थी। तो because everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Answer 3, what made the children laugh, to see, है ना, to see a lamb at school, school पे देखना ही उसके लिए एक हंसी का पात्र थे, है ना। what did the teacher do and why, answer 4,
द टीचर, टर्न, हिम आउट बिकॉज इट्स अगेन अगेंस्ट ऑफ द रूल. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड द टीचर से अबाउट द लैम एंड मैरी. यहाँ पे टीचर से सेड अबाउट द लैम एंड मैरी, ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करिएगा, मैरी लव्स द लैम यू नो. ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट. तो अब इसको आप लोग लिखें और लर्न